नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई 140 मीटर तथा चौड़ाई 90 मीटर है। इसके चारों ओर 5 मीटर की दूरी पर झंडों को जमीन में गाड़ना है। इस तरह कुल कितने झंडों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रश्न ने हमें कहा है कि एक आयताकार खेल का मैदान है, तो हमने एक आयताकार खेल का मैदान बना लिया। उसने कहा कि उसकी लंबाई है 140 मीटर, तो L बराबर है 140 मीटर और चौड़ाई है 90 मीटर, तो हमने चौड़ाई भी लिख ली 90 मीटर। अब उसने कहा कि इसके चारों ओर 5 मीटर की दूरी पर झंडों को लगाया जाना है। तो जब जो झंडे लगाए जाएंगे वह लगाए जाएंगे इसके परिधि पर या इसके परिमाप पर। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इस आयताकार खेल के मैदान का परिमाप निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास लंबाई है 140 मीटर और चौड़ाई है 90 मीटर। हम निकाल लेंगे आयताकार खेल के मैदान का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र लगेगा यहां पर। आयत का परिमाप क्या होता है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई। दो लंबाई की वैल्यू क्या है 140 और चौड़ाई कितनी है 90, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ 0, 9, 4, 13 और 1, 230 दोनों को जोड़ देंगे तो 460 दो का जब गुणा करेंगे मीटर। ठीक है, यह हमारा आयताकार खेल के मैदान का परिमाप निकल के आ गया 460 मीटर। अब इस परिमाप में दो झंडों के बीच की दूरी का जब भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, झंडों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 5 मीटर की दूरी है दो झंडों के बीच की दूरी और परिमाप है 460 मीटर। तो यहां पर झंडों की संख्या निकालेंगे, झंडों की संख्या बराबर क्या होगा, परिमाप भागे दो झंडों के बीच की दूरी। बीच की दूरी, ठीक है, परिमाप कितना है, परिमाप है 460 और दो झंडों के बीच की दूरी है 5। 5 से काटेंगे तो 5 नाम 45, 1 बचा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो झंडों की संख्या निकल के कितनी आ गई, झंडों की संख्या निकल के आ गई 92, यानी 92 झंडे टोटल इसके परिमाप या इसकी परिधि पर लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला सवाल क्या था कि जब झंडे लगाना हो तो हम कहां लगाएंगे, इसकी परिधि पर लगाएंगे, या तार लगाया जाना हो तो भी इसकी परिधि पर ही लगाएगा। अगर कहीं घास लगनी हो या पत्थर लगने हो तो हमें क्षेत्रफल निकाल के उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो यह चीज आपको याद रखना है कि जब इस कोई ऐसी चीज लगाई जाए जो कि इसकी परिधि पर लगाना है तो वहां पर हमें परिमाप निकाल के सॉल्व करना है। अब जहां ऐसी कोई चीज लगाए जो कि इसके पूरे को कवर करे यानी इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब हम उस प्रश्न का आंसर निकाल पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ घास लगाई जाए या टाइल्स लगाई जाए तो हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर बागड़ लगाई जाना है, तार लगाया जाना है या झंडे लगाया जाना है तो हम परिधि निकाल के ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।